यार अभी से ही गाड़ी की लुक समझ आना शुरू हो गई है बॉयज। जी तो बॉयज एंड गर्ल्स की हालचाल, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई भी एकदम फिट फाट जबरदस्त है। तो यार आज की अपडेट कुछ ऐसी है कि भाई आपका लाहौर गया था, वहाँ काफी मजे मजे के सीन हुए, डोनट और पटाखे, मतलब काफी मजेदार एक्सपीरियंस था। तो आज की वीडियो इसके बारे में है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, काफी सारे भाई मेरे से पूछ रहे थे कि यार जो अपना KE70 का प्रोजेक्ट था उसकी क्या अपडेट है। तो जो उसकी अपडेट है वो जरा आप लोग जाके चेक करके आए कि कहां तक वो हमारा प्रोजेक्ट पहुंचा है, जरा आप वो चेक करें। रही बॉयज अपनी KE70 बॉडी, इसकी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ये रहा इसका इंजन बे, अभी आपको काफी ज्यादा गंदा लग रहा है, गोल्डन अजीब भी थोड़ा बहुत लग रहा होगा। अभी जब ये वॉश वगैरह होगा ना तब ओके सीन हो जाएगा, ठीक है ओके। और जो फ्रंट लिप है हमारा बॉयज वो रेडी हो चुका है, बड़ा ही मजेदार अच्छा सा किस्म का बन गया है। और यार रोहेल इसकी सस्पेंशन का जो रोला था उसका क्या बना फिर? वो एक साइड से गाड़ी गिरी हुई थी, वो क्या चक्कर था? वो एक स्प्रिंग छोटा, एक स्प्रिंग बड़ा। तो वो कर लिया ठीक है, अभी करना है? नहीं, वो करेंगे पेंट। तो इसका क्या करना है अब? इस गाड़ी को हम लोग कोइल ओवर्स पे रखने वाले हैं या जेन्युइन सस्पेंशन? कोइल ओवर ही रखेंगे, बैक पे स्प्रिंग चेंज कर देंगे। हाँ, क्योंकि गाड़ी को थोड़ा जो है ना कम्फर्ट जोन में लेके आना है। बाकी डिक्की तो आप लोगों को मैंने दिखाई थी ना, कम्प्लीट हो चुकी थी, बट ये अभी सिर्फ गड्ढा मिट्टी पड़ा हुआ है। ओके करेंगे आज से। बाकी आपका भैया चलाएगा अपना ट्यूटा 4Runner, जिसे सारे लोग कहते हैं सर्फ है, ब्रो नहीं ये सर्फ नहीं है, ये है ट्यूटा 4Runner। और ये आ गया हमारा वैशी दरिंदा। चलो अभी रिवर्स लेके जाना है या कैसे लेके जाना है? आई थिंक रिवर्स ही लगाएगा, आने दो। चलें आपको थोड़े बहुत सिनेमैटिक इसके बनाते हैं, म्यूजिक लगाएंगे। ओए ओए ओए, क्या म्यूजिक लगाना है यार, कैसा साउंड है वैशी किस्म का। नया पंगा हो गया बॉयज, रेडिएटर जो है गाड़ी का लीक कर गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और गाड़ी मार गई है हीट, तो अभी इसको थोड़ा ठंडा करते हैं, फिर देखते हैं क्या इसका मसला है। Many unbearable hours later. हां जी, तो many unbearable hours later पेंटर उस्ताद आ चुके हैं, काम हमारी गाड़ी पे शुरू हो चुका है। हीटिंग वाली इशू स्टिल है गाड़ी में, अब वो ये है कि रेडिएटर वगैरह इसका निकाल के जाएगा, रिपेयर होगी तभी, तब तक गाड़ी अब यहाँ से हिल नहीं सकती। और वैसे भी हमने निकालनी तो है नहीं थी गाड़ी। अभी गाड़ी को कर रहे हैं टेप अखबार, फ्रंट जो मिरर है टेप अखबार हो गया, साइड वाला भी हो गया, डोर हैंडल भी हमारे हो गए हैं। अब जो है अपना बॉयज पीछे वाला शीशा जो है वो टेप अखबार हो रहा है, और जो हमारी कस्टम बैक लाइट्स हैं वो भी बन के आ चुकी हैं। इसी वीडियो में बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोग वो लाइट्स भी देख चुके होंगे। तो अभी टेप अखबार होती है, उसके बाद पेंटिंग का जो प्रोसेस है उसे करेंगे स्टार्ट। पेंट आप लोगों को दिखाऊं तो वो बॉयज हमारा पेंट का सारा सामान आ चुका है, और इस बार सबसे महंगा लैकर सबसे महंगा पेंट बनवाया है, और पेंट कौन से आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्यों नहीं, गाड़ी पूरी जो है वो टेप अखबार हो गई है। अब फाइनल जो टक टुक उठाने थे वो उठाए जा रहे हैं, हल्की फुल्की मंजाइयां जो करनी है की जा रही हैं। बेस कोट लग रहा है, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बंद जगह है, तो इसलिए यहाँ पे ओवर स्प्रे जो है ना काफी ज्यादा बन रहा है। तो उसको हल करने के लिए यहाँ पे पेडिस्टल फैन लगाते हैं और उसका मुंह उधर को कर देंगे, ताकि जितना ओवर स्प्रे यहाँ पे है उसको वो बाहर निकाल दे, ताकि वो ओवर स्प्रे गाड़ी के ऊपर ना पड़े। टाइम लैप्स के लिए लगा दिए कैमरा, तो आप वो भी देखोगे। यार अभी से ही गाड़ी की लुक समझ आना शुरू हो गई है बॉयज। बेस कोड तो हमारा लग चुका है, नाउ इट्स द टाइम फॉर डिस्को। क्या चेक करो उस्ताद, जरा खोलो तो सही। ओए होए होए होए, फूट फूट के ये जो पर्ल नजर आ रहे हैं ना आपको मल्टी शेड में, इसको कहते हैं इट्स द टाइम फॉर डिस्को। मोए 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 मोए।
हाँ जी, तो आप लोगों ने देख लिया होगा हमारी KE70 कहाँ तक पहुंच गई है। बेस कोट उसका हो गया, फाइनल पेंट भी हो चुका है, बट उसकी वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे चैनल पे आने वाली है। तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। बाकी लाहौर के जो सीन्स थे उससे पहले एक बात कर लेते हैं एक PR के बारे में। हमें हमारे फोन के लिए जनाब कुछ कवर्स रिसीव हुए हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त हैं। उसमें से जो सबसे मजेदार कवर है ना जनाब, वो है अपनी सोनी का, उसके ऊपर हमारी सोनिक बनी हुई है। तो अगर आप लोग भी ऐसा कस्टमाइज कवर अपने फोन के लिए बनवाना चाहते हैं तो ये उनकी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, उनको जल्दी से मैसेज करो और अपनी गाड़ी के लिए या अपनी पिक्चर के साथ कोई भी आप कस्टमाइज कवर उनसे अपना बनवा सकते हो। बाकी चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कहा जरा फ्यूल अप भी करवा लें गाड़ी को, फ्यूल है थोड़ा सा ही काम है, वैसे इतना ज्यादा काम नहीं है, बट लाहौर जाके अच्छा फ्यूल मिले ना मिले कोई पता नहीं, मोटरवे पे फ्यूल अच्छा होता है। तो मैंने कहा जरा ग्लास भी साफ हो जाएगा और गाड़ी का फ्यूल भी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी फ्यूल अप करवाते हैं। यार नंबर प्लेट कितनी ज्यादा ही बुरी लग रही है। हाँ जी, तो यार हम लोग पहुंच चुके हैं लाहौर, वो खड़ी है हमारी ब्यूटी और ये हमारे एहसन भाई का घर। अभी एहसन को बुलाते हैं बाहर और देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है। और यकीन मानो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ठंडा रिएक्शन इस बॉय का होगा। आ गया लगता है एहसन भाई। हाँ जी ब्रदर, सुनाए कैसे हैं? माशाल्लाह। कैसी लग रही है, रियल में ज्यादा प्यारी है या वीडियोस में? भाई बात सिंपल सी यही कहूंगा। हाँ जी, वीडियो में इसको जस्टिफाई तो नहीं करता है ना। रियल में कलर कुछ और है, वीडियो में बहुत ज्यादा लाइट कलर आता है, वैसे थोड़ा सारा ज्यादा ब्लू है। मगर यही कहूंगा रिम ते काले करा ला। यार मुझे नहीं समझ आ रही स्टपनिया ना बांजे। नहीं रिम काले होंगे, बहुत प्यारी लगी थी। और अगर अगर ये मेरे रिम बन गए स्टपनिया, क्रोम पार्ट को करना है कि नहीं? क्रोम पार्ट को नहीं करना, अंदर से सिर्फ इसको काला करना है। तो लो बॉयज, पहले तो जरा डाउट वाला काम था बट अब ऐसा नहीं कह दिए तो अब तो करेंगे ही करेंगे। अब एक और दोस्त ने कह दिए इतने दोस्तों में से, तो मैं इंतजार ये कर रहा था कि कोई एक और मेरा दोस्त कह दे। चलो फिर इसको करते हैं। अरे काम हो गया, ब्लॉग नहीं किया, सीढ़ियां चढ़ते हुए ब्लॉग हो रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको अब सीढ़ियां चढ़ते हुए? किसने कहा था जितना मर्जी ऊपर चल जाऊंगा कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे तो लिफ्ट लगी हुई है, लगी हुई है पर चलती नहीं है ना। ओए आए छोड़ दे मेनू, इसे भी ऊपर है। आजो। हाँ जी, ओए होए जूस भी जट ने मंगाता, अज जट नहीं हूँ खिलाऊ। रुको जरा सबर करो, इके वाला भाई था उधर एक। आजा आजा इधर ही है इके। ना कर, वो देखो वो खड़ी है हमारी ब्यूटी। ओए होए होए ओए मेरी शोनी मेरी गुगलू मुगलू। हाँ तो यार ऑब्वियसली लाहौर आए हैं तो लाहौर वाले सीन्स तो होने चाहिए, बट आजकल लाहौर में काफी ज्यादा सख्ती चल रही है। बहरहाल हम लोग आए हुए थे DHA और यहाँ पे बॉयज कुछ इकट्ठे हुए थे, हमें बस प्लान बना के क्यों ना किसी राउंड अबाउट पे चल के कोई डोनट शोनट मारे जाए। तो दरमियान में एक गाड़ी खड़ी करेंगे, साइड पर डोनट मारेंगे, तो आप लोग जरा चेक करो क्या एक्सपीरियंस होता है, जरा हम भी देखते हैं लाइव डोनट कैसे लगते हैं। आइए देखते हैं मजा आएगा।
आओ जरा आप लोगों को गाड़ियाँ चेक करवाता हूँ बॉयज। सबसे पहली जो गाड़ी है वो तो है अपनी सोनिक, जो कि इंतहाई खूबसूरत ऑन एयर सस्पेंशन जैसे कि आप लोग जानते हैं। और अगर दूसरी गाड़ी की बात की जाए तो शेबी ईएस की ईएस नहीं है ये, वैगनॉर पे आज भाई जान पहुँचे हुए हैं, इन्होंने ईएस जो है अपनी भाई साहब स्टॉक कर दी है। दूसरा फैसल भैया लेके आए एक रिबोन, बहुत ही प्यारी डिसेंट बिल्ड है जिसमें एयरवर्क्स की एयर सस्पेंशन भी लगी हुई है। और ये गाड़ी है जो कि रिसेंटली ट्यून की है। ऐसे में इसमें इंजन सीजन कौन सा भला स्वैप हुआ है शेबी भाई? डी सोलह। और यार क्या जालिम किस्म के इसके पटाखे, इधर से आग भी निकलती होगी इसकी। अच्छा मतलब एयर इंटेक के लिए बना हुआ है, बट यार क्या जालम पटाखा था अभी इसने मारा है उधर। आपकी गाड़ी का नाम क्या है सर? मार्क 2 JZX90। बेहतरीन। और इसमें आपने स्वैप कौन सा किया हुआ है वाला? सर V8 1UZ 4000। बेहतरीन यार, क्या मजेदार आपने डोनट मारे हैं, वेरी गुड सीन हो गया। आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।